शांति किसे नहीं चाहिए? मानव युद्ध भी शांति के लिए ही करता है और संधि भी। आप में से कुछ कहेंगे कि आगे बढ़ने के लिए सदा संघर्ष ठीक नहीं होता, संधि का मार्ग ठीक है, क्योंकि शक्तिशाली को परास्त करने के लिए हमारी भी शक्ति का क्षय होता है, वो शक्ति जिसे हम विकास में लगा सकते हैं। परंतु शक्तिशाली से मित्रता करने से पूर्व क्या ये जान लेना उचित नहीं कि शक्तिशाली का मंतव्य क्या है? कहीं उस संघर्ष से बचकर हम एक बड़े उत्पाद को तो जन्म नहीं दे रहे? क्योंकि सर्प से मित्रता आपको शांति नहीं देती, अपितु सर्प को अवसर देती है कि भविष्य में वो आपको डस सके। तो ये है हमारी योजना राजसूय यज्ञ की सफलता के लिए। इसी भांति चारों दिशाओं में खांडवप्रस्थ की पताका फहरानी होगी। तभी आप सम्राट बन पाएंगे युधिष्ठिर। बस पूर्व दिशा में एक बाधा है। बाधा? कौन सी बाधा माधव? मगध। हाँ मेरे होने वाले सम्राट, यदि तुम्हें पूरे भारतवर्ष में अपने आप को सर्वशक्तिशाली सिद्ध करना है तो तुम्हें मगध पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना ही होगा। और मगध का अर्थ है जरासंध। ठीक कहा अपने अंगराज, मगध का अर्थ है जरासंध, आपका भूतपूर्व मित्र और वर्तमान शत्रु। हाँ, और आपको कदाचित ज्ञात नहीं होगा उसने आर्यव्रत के 100 राजाओं को बंदी बना लिया है और अब वो उनकी बलि की तैयारी में है। 100 राजाओं की बलि? हाँ, 100 राजाओं की बलि, क्योंकि प्रभुत्व स्थापित करने का सबसे बड़ा अस्त्र है भय, और उसी भय का लाभ उठाते हुए जरासंध अपने आप को सर्वशक्तिशाली सिद्ध करना चाहता है, और इसीलिए हमारा सबसे पहला लक्ष्य होगा जरासंध पर विजय। परंतु हां, प्रश्न यह भी उठता है कि कौन महायोद्धा जरासंध को दुर्योधन के पक्ष में लाने में सक्षम है? दुर्योधन हर संभव प्रयास करेगा कि जरासंध उसके पक्ष में आ सके, और ये निश्चित है कि जरासंध किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा समर्थन नहीं करेगा युधिष्ठिर। तो अब केवल एक मार्ग शेष है, जरासंध का अंत। अर्थात आप उसका वध कर देंगे माधव? युधिष्ठिर, यदि जरासंध का वध मेरे हाथों होना होता तो मुझे 18 बार
उससे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जरासंध का वध किसी और के हाथों लिखा है। भ्राता भीम, क्या आप इस बाधा को समाप्त कर सकते हैं? उत्तम, यदि इस प्रकार आप मेरी मंशा भांप लें तो प्रत्येक समस्या का समाधान निश्चित है। मैं वासुदेव की मंशा जानता हूं। वो किसी भी प्रकार जरासंध पर पांडवों की विजय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, परंतु तुम चिंता मत करना मित्र, मैं पांडवों से पहले जरासंध का समर्थन प्राप्त कर लूंगा और इस भांति आर्यवत के 100 राजा भी तुम्हारे पक्ष में आ जाएंगे। इससे पूर्व कि जरासंध दुर्योधन का समर्थन करे, उसका अंत आवश्यक है, अर्थात हमें जरासंध का वध करना होगा। महाराज जरासंध की जय! महाराज जरासंध की जय! महाराज जरासंध। शतराज बलि प्रारंभ हो। राजा को दूसरे राजा के साथ वो व्यवहार नहीं करना चाहिए जो वो स्वयं के लिए नहीं चाहता। मुझे जब भी तुम्हारी सहायता की आवश्यकता पड़ी, तुम एक बार मेरी सहायता करने अवश्य आओ। क्या कहकर पुकारूं तुम्हें, अंगराज कर्ण या छलिया कर्ण?
वचन भंग करण या फिर मित्रता करके मित्र द्रोह करने वाला कर्ण। न्याय का योद्धा परशुराम शिष्य राधे कर्ण पुकार सकते हो, जिसे यह बलि रोकनी पड़ी क्योंकि यह आवश्यक था। यह आवश्यक है वासुदेव। हाँ, हम वहां जरासंध के अंत के लिए जा रहे हैं। अपनी सुरक्षा के लिए वेश बदल कर जाना क्या यह कायरता नहीं? नहीं भीम, हमने ये वेश उन सैनिकों के प्राणों की रक्षा के लिए धारण किया है जो हमें पहचान कर हम पर आक्रमण करेंगे, और अकारण ही बाहुबली भीम के हाथों मारे जाएंगे। अब प्रस्थान करें। मुझे अभी भी प्रतीत होता है कि जो हम करने जा रहे हैं वो योद्धाओं की मर्यादा नहीं। आप आज्ञा दीजिए, मैं अपने ही वेश में एक ही क्षण में मगध के द्वार ध्वंस कर दूंगा और जरासंध को भी धराशायी कर दूंगा। तुम्हारा ये आक्रोश और तुम्हारी युद्ध के लिए ये उत्सुकता मुझे किसी और का स्मरण करा रही है अर्जुन। इसका माधव है एक तुम जैसा, परंतु तुमसे पूर्णता भिन्न। जीवन के कर्म में भी और कर्म के परिणाम में भी जरासंध, मैं मित्र दुर्योधन की ओर से तुम्हें सावधान करने आया हूं। शीघ्र ही तुम पर आक्रमण होने वाला है, इसलिए अपनी सुरक्षा का प्रबंध करो और हस्तिनापुर से संधि भी। और इस मित्रता का मोल क्या होगा? बस इन 100 राजाओं को मुक्त करना होगा। जरासंध तुम जैसे छल करने वालों से संधि नहीं करता, उनका अंग विच्छेद करता है। मेरी बात मानो, इन राजाओं को मुक्त कर दो जरासंध। 100 राजा की नहीं, एक तो एक राजाओं की बलि चढ़ेगी। कर अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो जरासंध। तुम्हें देखते ही क्रोध ने मुझ पर नियंत्रण कर लिया। करण, रुक जाओ जरासंध, मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं। रुक तो तुम गए थे कर्ण, सहायता तो तुम मेरी करने आए थे।
किंतु हाथ मिला बैठे उस कली एक्सप्रेशन से। युद्ध करने नहीं आया। यदि युद्ध करने आया होता तो तुम और ये युद्ध कब के समाप्त हो गए होते। इस भांति वचन भंग किया और ना चल किया। मैं युद्ध में तुम्हारी सहायता के लिए पहुंचा था, परंतु रुक रहा क्योंकि वासुदेव शांति का प्रयास कर रहे थे। तुमने एक निर्दोष की हत्या की, इसलिए मैंने युद्ध में सम्मिलित ना होने का निर्णय लिया। मैंने मित्रता भंग नहीं की। तेरे शत्रु के साथ खड़े रहने वाला मेरा मित्र नहीं। तो तुम अपनी ही भाषा में सुनो, यदि शत्रु का शत्रु मित्र होता है तो हस्ते हस्ते संधि करो और इन राजाओं को मुक्त करो। हाँ, तुम वासुदेव के विरुद्ध हो। नहीं, मैं वासुदेव के विरुद्ध नहीं, परंतु अपने मित्र दुर्योधन के साथ हूं जो वासुदेव के विरुद्ध है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम पे शीघ्र ही आक्रमण होने वाला है, इसलिए हस्तिनापुर से संधि करके दुर्योधन से मित्रता स्वीकार करो। कृष्ण का विरोध करने वाले के लिए 100 राजा क्या, मैं सहस्त्र राजाओं को छोड़ सकता हूं। मुझे तुम्हारी संधि स्वीकार है। अब ये सभी राजा मुक्त हैं। लोग नगर द्वार पे क्यों खड़े, भीतर क्यों नहीं जा रहे वासुदेव? शांत विकोधर, अंदर जाने से पूर्व तनिक मगध नरेश के लिए कुछ भेंट तो ले ले। आओ उनके लिए चलकर पुष्प ले ले। चलो आप सब अपने राज्य जाने के लिए मुक्त हैं। आइए